स्टूडेंट जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज बैकग्राउंड ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप का उपयोग कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं। तो मैंने पिछले क्लासेस में डिजाइन में वाटर मार्क तक पढ़ाया था, वाटर मार्क तक पढ़ाया था। आज देखिए, इसके बाद है पेज कलर और अगला है पेज बॉर्डर। अब पेज कलर क्या होता है, पेज बॉर्डर क्या होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है कि पेज कलर मीन्स पेज का क्या करेगा, कलर करेगा। तो कुछ कलर बाय डिफॉल्ट इसमें दिए गए हैं। अब चाहोगे तो इसमें से बस मैं यहाँ पर क्लिक के दूँ, कलर अप्लाई होगी, पेज का कलर हुआ। इसमें से जो कलर चाहता हूँ बस अप्लाई हो गया। ऐसे क्लियर सबको, मतलब जो पेज कलर है हम आसानी तरीके से इसमें जो पेज कलर लगाना लगा सकते हैं। अगर इसमें से आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए आप आ सकते हैं मोर कलर पे, और मोर कलर पे आने वाले से इसमें से आप कलर चूज कर सकते हो, ओके कर सकते हो, कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके लिए आपको आना होगा फिल इफेक्ट पे। कहाँ पे आना होगा, फिल इफेक्ट पे। अब देखिए कितने ऑप्शन है, पहला है ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न्स, पिक्चर। चलिए ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए ग्रेडियंट में हम चाहते हैं तो नॉर्मल यहाँ पे कलर अप्लाई हुआ है, हम टू कलर का कंबाइनेशन करना चाहते हैं तो टू कलर पे क्लिक करेंगे, और पहला कलर कौन सा होना चाहिए और दूसरा कलर कौन सा होना चाहिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों का कंबाइनेशन से देखो पेज क्या कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे कैसा चाहिए, हॉरिजेंटल दिखाना है या वर्टिकल दिखाना है, या डायगोनल अप दिखाना है, या डायगोनल डाउन दिखाना है, या फ्रॉम कॉर्नर फ्रॉम सेंटर। चलिए देखिए क्या हो रहा है। तो वर्टिकल करेंगे तो ये वर्टिकल में देखो स्टाइल दिख रहा है, मतलब हॉरिजेंटल में स्टाइल दिख रहा है। वर्टिकल करेंगे तो ऐसे खड़ा दिखाई देगा, दिख रहा है आपको यह। अगर डायगोनल कर देंगे थोड़ा तिरछा दिखाई देगा बीच से कुछ ऐसा, डाउन कर देंगे तो डाउन की तरफ आएगा, ठीक है। कॉर्नर में कर देंगे तो कॉर्नर में आएगा, सेंटर में कर देंगे तो केवल सेंटर में आएगा। मतलब ऐसे इसमें से जो कलर आप इस्तेमाल कर रहे इसमें से कौन सा, तो हमने बोला डायगोनल और ऐसे अप्लाई किया और कर दिया ओके, तो हमारा पेज का सेटअप कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। फिर से मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब पेज का कलर मैं करना बता रहा हूँ। खूब ज्यादा फॉर्मेटिंग कर दोगे तो भी अच्छा नहीं दिखता है, तो कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग लीजिए जो कलर भी मिक्सअप हो जाए और आसानी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ऐसे हमने यहाँ पे कलर है मैंने पेजेस का ले लिया, समझे। फिर से अगला ऑप्शन इसमें और दिया है, क्या है, टेक्सचर। मतलब कुछ पहले से बने बने इसके लाइब्रेरी में रहता है तो टेक्सचर पे आते हैं, इसमें से जो टेक्सचर ले लोगे क्लिक करोगे ओके कर दोगे आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद से जो भी मैटर बनाना है आप इस पे बना सकते हैं, तो वहां पर हम लोग टेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। फिर से फिल इफेक्ट पे आते हैं, और उसके बाद से अगला है पैटर्न। मतलब पैटर्न में कई सारे पैटर्न्स दिए गए हैं, इसमें कौन सा पैटर्न आप इस्तेमाल कर रहे हो जो आपको अच्छा है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। चलो उस क्लिक कर दिया, क्लिक करने बाद से हमने यहाँ पे कलर कर दिया, और इसके बाद से मैंने यहाँ पे भी कलर कर दिया। तो ऐसे देखो ऐसा पैटर्न बन के आएगा, जो कलर ले लोगे वही यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा। तो अगर पैटर्न्स कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पैटर्न्स लगा सकते हैं, हो जाएगा जी। चलो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको येलो और यहाँ पे कर देते हैं रेड, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या करना, फिल इफेक्ट पे अप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है पिक्चर, मतलब कोई पिक्चर का यह लगाना है पूरा पेज पे, तो सेलेक्ट पिक्चर ब्राउज, जो पिक्चर लगाना है क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, पूरे पेज पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो आप ऐसा लेना कि जिसे मैटर भी लिख सको और आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सको। देखो ये पेज के नीचे है, लिखोगे तो आएगा, देखो यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, बोलिए तो आ जाओ।
तो पेज का जो कलर कैसा चाहिए वो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हो, पेज का कलर सेट कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो मैंने आपको बताया, और हटाना है तो नो कलर तो गायब भी हो जाएगा। यहां सबने लगाना भी बताया और आसानी तरीके से मैंने आपको हटाना भी बताया। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है पेज बॉर्डर। तो इस बार हम थोड़ा पेज का कलर दे देते हैं येलो। और पेज बॉर्डर मतलब क्या है, किनारे किनारे हमको बॉर्डर देने हैं, तो हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। और पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद से अब देखो पाला है ऑप्शन नॉन, हमको बॉर्डर लगाना वो बॉक्स में लगाना है। किसमें लगाना है? बॉक्स में लगाना है। तो जब आपको बॉक्स में लगाने हैं बॉर्डर, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना, अब जैसे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा बॉक्सेस में बॉर्डर लग गए हैं। अब इसका कलर देना है तो कलर दे सकते हैं, नहीं तो बस क्या किया हमने, ओके कर दिया। तो देखो किनारे किनारे बॉर्डर लग गया। चलो इस बॉर्डर को थोड़ा मोटा करना है, तो फिर से बॉर्डर पे क्लिक करो और यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्या है विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका, और कर देते हो ओके। क्लियर है? तो आप ऐसे बॉर्डर लगा सकते हो और इसके अंदर जो भी मैटर बनाना आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यह हमारा तरीका है कैसे पेज बॉर्डर लगाएंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगर मान लो शेडो इफेक्ट चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3D इफेक्ट में कुछ ऐसा आएगा, ओके कर देंगे तो हमारा ऐसे दिखेगा। मतलब यहाँ पे बॉर्डर का इफेक्ट क्या चाहिए वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। अगर यह नहीं चाहिए तो आप इसमें से इस्तेमाल ना करो और आ जाओ यहीं पे, ऑप्शन है 8 दिख रहा है, और आप इसमें से नहीं चाहते हो तो इसे सेलेक्ट करो, और इसमें बहुत सारे बॉर्डर दिए हैं। दिख रहा है किनारे किनारे बॉर्डर जो ले लोगे वो लग जाएगा। क्लिक किया ओके, समझे? तो पेज का कलर के साथ साथ आप यहां से भी आप लोग बॉर्डर ले सकते हो। देखो बॉर्डर बहुत सारे ऑप्शन दिखे हैं यहाँ पे, देखो ये डबल लेंथ वाला ले ले सकते हैं, लाइन कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। या ऐसे आर्ट से रिलेटेड लेना है तो आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्लिक करके कोई भी हम लोग चूज कर सकते हैं। इतने सारे दिए, सब तो ऊपर करते हैं। क्लिक करते हैं ओके, इसका थोड़ा सा विड्थ क्या करते हैं थोड़ा सा मोटा कर ले, अच्छा दिखता है और ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, मोटा किए इसको। समझे? और इसके अंदर मैटर जो भी बनाना हम बना सकते हैं। तो यह पेज का कलर हमने बताया कैसे पेज का कलर होगा, और उस पेज पे बॉर्डर कैसे लगाओगे वो हमने आपको बॉर्डर लगाना बता दिया। क्लियर है सबको? हो जाएगा? चलिए क्या है, पेज कलर पे पेज कलर ले लेंगे। हाँ चला रहे हैं, चल रहा ऑनलाइन, अभी हाल ही में चालू किए हम, मतलब जब क्लास स्टार्ट किए तो फिर स्टार्ट ही है। ठीक है तुम 1 बजे चेक कर रहे हो तो मिलेगा, ठीक है तो ध्यान दीजिएगा। तो आप आसानी तरीके से इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगला जो हम लोग सीखने वाले हैं वह सीखने वाले पेज लेआउट, और पेज लेआउट में कौन सा ग्रुप, पेज सेटअप। क्या पेज सेटअप? तो ध्यान दीजिएगा पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसको प्रिंट करना होता है तो बार बार हम लोग क्या करते हैं पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। नाम से पता चल रहा है पेज सेटअप, जब भी पेज का सेटअप करना है तो पेज सेटअप ग्रुप में आएंगे और इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर पेज का सेटअप कर लेंगे। तो चलिए पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन है वह दिया है मार्जिन, मतलब पेज का मार्जिन कितना आपको देना है उसके लिए आप पेज मार्जिन पे आओगे और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे मार्जिन दे सकते हो। तो चलिए इसके लिए हम कंट्रोल एन करते हैं और नया एक हम डॉक्यूमेंट्स पेज ले लेते हैं, और उसके बाद से इक्वल करते हैं और एंड करते हैं ब्रैकेट को ओपन, और कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मार्जिन समझाना हमको। तो देखिए जो पेज का बाय डिफॉल्ट जो हमारा मार्जिन है यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल में है, टॉप पे भी 1 है
बॉटम पे भी वन है, लेफ्ट में भी वन है और राइट में भी वन है। तो ये इंचेज में दिख रहे हैं हमारे ना, तो कितना कितना यहाँ पे मार्जिन हमें दिया है वो दिखाई दे रहा है। मार्जिन मतलब समझ रहा आप लोग ना, जैसे आपके पास पेज है तो मार्जिन हमेशा देते हैं, क्योंकि जब तक मार्जिन नहीं देंगे तब तक सिस्टमेटिक तरीके से मैटर नहीं लिख पाते हैं। तो टॉप पे भी मार्जिन देते हैं, बॉटम पे भी मार्जिन देते हैं, लेफ्ट साइड भी देते हैं और राइट साइड भी देते हैं, जिससे लिखने में भी अच्छा लगे और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें कहीं पे भी हम लोग होल्ड करके लगा सके, उसको एक्सेस करके और एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। तो उसके लिए हमको मार्जिन देना बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मल में मार्जिन है, टॉप पे भी 1 इंच है, बॉटम पे भी 1 है, लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हमको थोड़ा कम ज्यादा करना होता है, तो उसके लिए आ जाते हैं कहाँ पे, कस्टम मार्जिन पे। जिगर आपको, तो कस्टम मार्जिन पे आएंगे तो यहाँ पे देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जिगर आपको ना, तो यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करके आप लोग यहाँ से कम ज्यादा कर सकते। देखना यहाँ पे, ये यह इसका प्रीव्यू दिख रहा है, थोड़ा हम टॉप से कम करते हैं, देख रहे हो ना, यहाँ तक पूरा आगे बढ़ाते हैं। तो मतलब उतना स्पेस ले लेगा, बड़ा नहीं हो रहा है जो अलाइनमेंट जो यहां से लिख रहा है। देखो टॉप से यहां से बाइट पर लिख रहा है, 1 इंच था, यहां से लिखा लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो पेज है हमारा, देखो ये पेज है ना, तो यहां से लिखना स्टार्ट हो रहा है। यहां से हम सोच रहे और नीचे से लिखे, एक ऊपर और जगह चाहिए हमको, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे। तो पेज नहीं छोटा हो रहा है, यह स्पेस ज्यादा मिल जा रहा है, करके दिखाऊं। जी, ओके कर देंगे। देखो तुरंत देखो भाई, क्या नीचे नहीं आया, उसके वाला नीचे वाला आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं मिला ज्यादा। अब तो यही है, तो यहां से क्लिक करने से वहां होगा, पढ़ लिया क्या जाएगा। चलिए उसके पास कस्टम मार्जिन, तो यहाँ पे टॉप पे कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो ना, तो यहाँ पे बॉटम में भी वही है, लेफ्ट में थोड़ा सा बढ़ा देते। देखो तो टेक्स्ट इसी में लिख के आएगा, फिर से यहाँ पे राइट में भी थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं, अब इसी के अंदर लिख के आएगा मैटर जो भी लिखना है। ओके ओके, इधर से भी मार्जिन ले लिया और इधर से भी मार्जिन ले लिया, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, कस्टम मार्जिन पे आते हैं, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गटर, गटर पोजीशन लेफ्ट। तो गटर पे क्या होता है, इन मार्जिन के अलावा भी कुछ गटर पॉइंट्स होते हैं जो पहले से छोड़े रहते हैं। देखो गटर पॉइंट का मतलब यह है, जब क्लिक करिए देखो बढ़ रहा है गटर पॉइंट, देखो यह वाला, यह स्पेस मतलब अलाइनमेंट तो है ही है, हम और ज्यादा जगह इसपे छोड़ना चाहते हैं मार्जिन के अलावा। तो हम लोग यहाँ से गटर पॉइंट किस पे, टॉप पे देना है, लेफ्ट पे टॉप पे देना है, तो टॉप पे इतना गटर पॉइंट, तब उसके बाद से टॉप पे मार्जिन, उसके बाद से तब हमारा क्या है लिख के आएगा। ठीक है कर देते हैं, नहीं भले वो का वो इसे दिखेगा। ठीक है बस यहाँ पे दिख रहा है इसका प्रीव्यू क्या क्या हो रहा है, अगर नॉर्मल कर देंगे तो जो भी है ये गटर पॉइंट हट जाएगा, थोड़ा जगह ज्यादा मिल जाएगा। तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा। चलिए उसके बाद पेपर, तो बाइट पाल जो हम बताइए, जो हम लोग प्रिंट करते हैं पेपर का साइज, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, वो क्या होता है लेटर में प्रिंट होता है, लेकिन चाहोगे तो क्या कर सकते हो आप लोग, A4 ले सकते हो। मतलब ज्यादातर लोग लेटर में प्रिंट करते हैं, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, A4, तो A4 ले लेंगे। और देखो साइज आ गया, लेकिन सोच रहे हैं A4 का आधा साइज आए, कभी कभी छोटा मुकुट मेटर बनाना होता है तो उसके लिए हमको A5 लेना होता है, उसका आधा आ जाता है। फिर आपको देखो A4 इतना, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो, नहीं तो क्या है बाय डिफॉल्ट लेटर, मतलब ज्यादातर लोग लेटर में ही प्रिंट कर देते हैं, लेकिन रियल में कहा जाता है A4 साइज का प्रिंट करेंगे तो बेटर तरीका रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेटर में देखो बता रहा विड्थ क्या है और हाइट क्या है, वैसे हम लोग क्या कर देंगे, नीचे आएंगे A4 ले लेंगे, A4 साइज में आ जाएगा, और उसके बाद से क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके कर सकते हैं। ओके करने बाद इसी हिसाब से क्या होगा हमारा, ये प्रिंट होगा, देखो एडजस्टमेंट हुआ, मार्जिन बहुत ज्यादा दिया था, हम क्या कर देते हैं नॉर्मल कर देते हैं, तो नॉर्मल जैसा टॉप पे था बॉटम पे था लेफ्ट में था वैसे आ जाएगा। मतलब प्रिंटिंग करते समय
इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, जगह ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, उससे हम आसानी तरीके से प्रिंट कर ले डॉक्यूमेंट्स को, हो जाएगा। बोलिए, चलिए अगला, ओरिएंटेशन। तो चलिए ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ओरिएंटेशन का मतलब इस पेज का आकार कैसा चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट पेज का आकार कैसा होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल होता है, मतलब जो डाटा बनाते हैं किसमें होता है, वर्टिकल में, मतलब पोर्ट्रेट रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि मैटर हमारा ज्यादा है, ठीक है, और लाइन हमारी कम है, तो वहां पे पोर्ट्रेट ना इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लैंडस्केप का। तो बस हम क्लिक कर देते हैं, हॉरिजेंटल कर देते हैं, तो जगह क्या हो जाता है, ज्यादा मिल जाता है। तो देखो जो पैराग्राफ 3 लाइन में आ रहा था, देखो पोर्ट्रेट कितने में आ रहा है, 1 2 3, बताओ ज्यादा पेपर खर्च होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन मैटर हमारा ज्यादा है, लाइन कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप कर दिया। जैसे क्लिक किया, देखो वह पैराग्राफ कितने में आ गया, 2 लाइन में आ गया। मीन्स इसका प्रयोग वहां पे करते हैं कि जब जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे लाइन बहुत ज्यादा है और मैटर थोड़ा थोड़ा है, तो उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, उसको वर्टिकल रखते हैं, तो ऐसे खड़े में ज्यादा स्थान मिल जाएगा। लेकिन जब लाइन में नंबर, मतलब लाइन हमारे कम है, लेकिन बीच में ज्यादा लाइन, उस पैराग्राफ में उस लाइन में मैटर ज्यादा है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, पट का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है और यह है लैंडस्केप, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी कॉपी है आपके पास ना, जो भी कॉपी इस्तेमाल करते हो तो बताइए कॉपी क्या मतलब है, दो जी या कॉपी है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग लिखते हैं किसमें लिखते हैं, पोर्ट्रेट में लिखते हैं। लेकिन कई बार आप लोग देखिए कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हेडिंग हमारे ज्यादा होते हैं, इसको पलट देते हैं और पलट के तो वैसे लिखते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। तो यह जो दिख रहा है यह हमारा ओरिएंटल, इसे लैंडस्केप बोलते हैं कंप्यूटर, और इसे बोलते हैं वर्टिकल, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, क्लियर है ना। तो पेज को हम लोग रिक्वायरमेंट के आधार पे प्रिंट करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग वर्टिकल ही करते हैं, पोर्ट्रेट ही करते हैं, लेकिन कभी कभी मेटर हमारा ज्यादा हो जाता है और पेपर हमको बचाना है, पेजेस कॉस्ट कम लगे, और जो 3 पेज में प्रिंट होने वाला है वो 2 पेज में ही हो जाए, ठीक है, जो 10 पेज में है वो 9 पेज में ही हो जाए, तो उसके लिए क्या थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन हमारा बचेगा, 1 पेज बन जाएगा ना, तो वहां पे उसका लेसन मिस है। तो यही है, देखो मैं चेंज कर रहा हूँ तो आपको दिखाया भी जा रहा है, देख लो चेंज हो रहा है, देखो पोर्ट्रेट, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आ रहा है, यही मैटर कितनी लाइन में आ रहे हैं, 3 लाइन में, 2 लाइन, क्लियर है। तो आप उसका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से यहां से कर सकते हैं। तो ये हमारा है यहाँ पे ओरिएंटेशन, साइज अभी पढ़ाया हूँ आपको कि कौन सा साइज चाहिए पेपर का, क्लियर है ना, वही ऑप्शन यहाँ से पढ़ाया हूँ जो यहाँ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमने A4 लिया था, लेटर कर सकते हैं, ऐसे आएगा। चलिए उसके बाद से अगला ऑप्शन है कॉलम। अब कॉलम थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है इसको समझाने के, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। आप बताइए जो हमने मैटर लिखा कितने कॉलम में लिखा है, जो हमने मैटर ये लिखा है कितने कॉलम में लिखा है, दो। अच्छा बिना कॉलम का रो बन जाएगा, किसे बताइए, इसमें कितने कॉलम कितने रो हैं बताओ यार, मैं पढ़ाया था इतना जल्दी भूल जाता हूँ, रिकॉर्डिंग करते समय बार बार आना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आप बताइए ये हम बना दिए, इसमें कितना कॉलम कितना रो, चलिए इसमें कितना कॉलम कितना रो, हाँ 3 कॉलम है 2 रो है, किसी ने पूछ रहा है इसमें कितना कॉलम कितना रो, हाँ 1 कॉलम है और 1 ही रो है, तो सोचे जब तक दो डिब्बा नहीं बनेगा तो कॉलम दो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो जो हमारा पेज दिख रहा है ना, जो हमने मैटर लिखा है, जो हमने पूछा कितने कॉलम में मैटर हमने बनाया है, 1 कॉलम, रो बहुत ज्यादा है,
समझे ना। तो ध्यान देना कि यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल कब करते हैं आप लोग। क्वेश्चन देख, जैसे इस समय तो जातव जगह ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, इन अभी भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम कभी देते हो ना, देखते हो कि पेपर आता है तो पेपर में एक साइड में रहता है हिंदी और दूसरे साइड में रहता है उसी पेज पे इंग्लिश, या उसी पे ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, हिंदी लेकिन दो कॉलम है, पांच एक कॉलम में पांच दूसरे कॉलम, मतलब एक पेज पे ही 10 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन डबल कॉलम बना के दिया जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर एक पे हम दे दें, एक एक कॉलम बना दें, तो जहां पे अगर 10 क्वेश्चन में 5 पेज लग रहा था, ठीक है, तो वहां पे कितना लगेगा, 30 पेज लगेगा, ठीक है। तो उसी कंडीशन में जब क्वेश्चन लोग तैयार करते हैं और क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, आप सुनल रहते हैं, तो वहां पे अगर नॉर्मल अगर बनाए हो तो मुझे लगता है एक पेज पे 5 क्वेश्चन ही आए, तो मुझे 50 क्वेश्चन देना है तो कई सारे पेजेज लग जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं उस मैटर को दो कॉलम में कर दे, मतलब जो 10 10 क्वेश्चन दो पेज पे आ रहा है, जब दो कॉलम में कर देंगे ना, तो वही 10 क्वेश्चन हमारा एक एक पेज पे चला है, क्योंकि कॉलम वाइज करेंगे तो थोड़ा हो या ज्यादा हो वो तो पूरा स्पेस ले लेगा पेज का, एक कॉलम पे रहेगा तो फिर से दूसरा क्वेश्चन भी पूरा स्पेस ले लेगा, लेकिन वही हम टू कॉलम में कर देंगे तो जितना पहला कॉलम लेना है स्पेस ले लेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूरा फिल हो जाएगा लास्ट तक, तो फिर से पांचवा तक क्वेश्चन फिल हो गया, फिर से छठवे वाले में दूसरे कॉलम में चला जाएगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं या दो कॉलम में जब हमको मैटर लिखना होता है, तो वहां पर हम लोग सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं कॉलम का। चलो हम एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं और उसको हम कई सारे पेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और उससे मैं कॉलम में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। चलो इसको ही दिखा दे रहा हूँ, कितने कॉलम है जी? जी तो यहाँ पे देखो आओगे ना तो लिखा रहेगा 1, समझे, या 2। अब है कितना कॉलम है जी? इसके बाद से यहाँ पे 3, इन्होंने पढ़ाया था ऐसा मैटर कभी देखे हो? हाँ, बुक में भी दिए रहते हैं, ठीक है, पेपर में भी बहुत सारे में दिए रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इस्तेमाल 1 कॉलम में मैटर ऐसे दिखेगा, 2 कॉलम में ऐसे दिखेगा, आपको सर मैटर गड़बड़ नहीं हो? नहीं, जो देखो 1 कॉलम में जो यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा था, वो पाल वहाँ तो 2 कॉलम जब कर दें कोई दिक्कत नहीं, ये मैटर जहां तक जाएगा उसके बाद से नेक्स्ट वाला हमारा जो डाटा होगा वो नेक्स्ट वाले कॉलम में चला जाएगा, मैटर तो उसी में रहेगा। देखो ये वाला पैराग्राफ इसी में रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला आया, उसके बाद नेक्स्ट वाला आया, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद वाला कहाँ जाता है, नेक्स्ट वाले पे आता है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 2 कॉलम का। चलिए अभी क्वेश्चन क्रिएट कर और 2 कॉलम ने कन्वर्ट कर दिए, क्लियर है। उसके बाद से अगर मैं सोच रहा हूँ कि 2 कॉलम में देखो यहाँ पे 2 कॉलम दिया, 3 कॉलम दिया, उससे ज्यादा भी करना है तो मोर कॉलम में आएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए बस यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको। अरे उतना मत करना कि पढ़ता रह जाए कोई, क्लियर है। लेकिन या ऐसा भी मैटर लोग बनाने के लिए करते हैं, और देखो जब प्रिंट करोगे तो ऐसा ही प्रिंट होगा, जब क्वेश्चन बनाते हैं तब भी करते, कैसे? और सपोज मान लो हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उस क्वेश्चन को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो एक पेज पे कितना क्वेश्चन क्रिएट होगा, क्या होता सपोज अब इतना हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, बस आपको हिंट दे रहे हैं कैसे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 और डॉट लगा देते हैं और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं बोल्ड, और इसको सेलेक्ट करके नंबर ही दे देते हैं सेलेक्ट। ऐसे लोग देखो क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोग पढ़े हो सब, आ गया ना? अब देखिए पहला क्वेश्चन है सपोज, उसके बाद से इसको कॉपी करते हैं और यहां पे लाते हैं पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ध्यान देना मैं नंबर ही थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1 या दूसरा क्वेश्चन है या तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा,
अभी आएगा और क्वेश्चन पेस्ट, 6 क्वेश्चन आ जा रहा आराम से। अब उसके बाद से जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद तो ये देखो नेक्स्ट वाले पेज पे चला जा रहा है, क्वेश्चन ऊपर ऑप्शन नीचे। तो ऐसे लगभग देखो यही क्वेश्चन बनाने के लिए लगभग 12 क्वेश्चन के लिए कितना पेज लाया हमने, 3 पेज, समझे ना। तो वही अगर मान लो मान जाते कहाँ पे, पेज लेआउट पे और कॉलम पे आते और कर देते 2 कॉलम, तो क्वेश्चन भी फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा और लड़का भी परेशान नहीं होगा बार बार पलटना पढ़ना, बस यहाँ पे 2। अब देखो दिख रहा है ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे तक जाएगा, कहां तक, 6वें तक, उसके बाद 7वां क्वेश्चन, समझे, उसके बाद से ये 8वां नंबर हो जाएगा और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर 1 कॉलम में कर दे तो ये लंबा जाएगा, ये 3 पेज में आ जाएगा। देखो अभी 3 नंबर ऑफ 3 दिख रहा ना, लेकिन अभी कर देते 2 में, ठीक है। अभी स्पेस कम कर देते तो मुझे लगता है कि 2 पेज भी नहीं लगेगा, कंट्रोल ए होम लाइन स्पेसिंग कम, पैराग्राफ स्पेसिंग इसको भी कम। अब कितने में आ गए, 1 पेज में आ गए, लो अब जगह मिल गया, करो 2-4 और क्वेश्चन लिख दो। तो जो नहीं जानते हैं सेटी वही लोग क्या करते हैं, देखो 1 पेज है अभी भी हम 2 क्वेश्चन हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे के बाद जाएगा नेक्स्ट वाले पे, तब प्रिंट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये प्रिंट होके आता है ऐसे, समझे। तो पेज सेटअप का मतलब यही है कि कोई काम कर लियो बनाने के बाद आप उस पेज को कैसे सेटअप करना चाहते हो, कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, उसका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से देख सकते हो। जी क्या पेज के नीचे, हाँ बोलो, कौन वाला, ये वाला जी हो जाएगा, ब्रेक करेगा, लेकिन यही है अब उसको इंटर बटन दबाना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है, आ गया। अगर नहीं चाहते तो ऐसे बढ़ा दो, 14 क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। तो ये तरीके आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, तो या आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जैसे करना। देखिए लेफ्ट का मतलब वही है, लेफ्ट करेंगे तो जानते हो राइट साइड ज्यादा टेक्स्ट आ जाएगा, लेफ्ट साइड कम आएगा, ऐसे। तो ये उचित नहीं रहता, सबसे ज्यादा हम लोग या तो 1 का इस्तेमाल करते हैं या तो 2 का, 3 का कब, जब हम लोग पैराग्राफ बहुत सारा लिखे रहते तब, वहां पे देखो ऐसे आ जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, क्वेश्चन एडजस्टमेंट हो गया देखो, लेकिन बेटर नहीं है, इसलिए हम करते हैं 2 का, लो हो जाएगा बाबू। चलिए तो हमने लाइन कॉलम भी बता दिया, साइज बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, मार्जिन बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला ऑप्शन आता है ब्रेक, तो ब्रेक में हमने लगभग 1-2-3 ऑप्शन पढ़ा दिया है, क्या क्या, पेज ब्रेक और नेक्स्ट पेज, बोलो 2 ऑप्शन पढ़ाया हूँ, कहोगे सर क्या मतलब है, जैसे हम सोच रहे हैं पेज को ब्रेक कर दे यहाँ से, ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, ब्रेक पे आएंगे, पेज ब्रेक हो गया। तो हमने पढ़ाया था शॉर्टकट के क्या था, कंट्रोल प्लस इंटर, तो ये पहले पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, लेकिन अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल इन करते कुछ पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। 20 अब देखो मैं थोड़ा इसको कंट्रोल ए करके थोड़ा सा बड़ा करता हूं और आ जाता हूं फर्स्ट वाले पेज पे। अब देखो जब यहाँ पे पेज लेआउट पे आते हैं तो जब हमने पेज ब्रेक किया तो क्या हुआ, जहां पे कर्सर है वहीं से हमारा ब्रेक हो जा रहा है और मैटर नेक्स्ट वाले पेज पे चला जा रहा है, स्पेस ज्यादा मिल गया। लेकिन यहीं पे अगर हमको करना क्या है, अगला ऑप्शन है कॉलम, अगर कॉलम को ब्रेक करना हो तो देखो यहाँ पे जब हम 2 कॉलम में बनाए थे मैटर यह, तो जब पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहां से मैटर कट करके नेक्स्ट वाले पेज पे क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर दे रहा था। लेकिन अगर यहीं से हम करते हैं कॉलम ब्रेक तो कॉलम को ब्रेक करेगा, इस कॉलम से किस कॉलम ले जाएगा, सेकेंड वाले में, अब जब यहां से ब्रेक करेंगे तब नेक्स्ट वाले पेज के कॉलम पे लेके जाएगा। तो जब आपको कॉलम को ब्रेक करना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं कॉलम का, करके दिखाएं, क्लियर, इन्हें क्यों सर रहने दीजिए, विश्वास है, कॉलम आ गया। तो पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक में समझ आया जी, पेज ब्रेक पूरा ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट वाले पेज पे लेके चला जाता है,
और कॉलम ब्रेक का मतलब कॉलम को ब्रेक करता है नेक्स्ट वाले कॉलम पे, फिर से नेक्स्ट से, फिर से नेक्स्ट वाले कॉलम पे, तो ऐसे नेक्स्ट करते 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 जहां तक लेके जाना लेके जा सकते हैं आप लोग। ओके, और नेक्स्ट अगला लास्ट ऑप्शन, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगला है टेक्स्ट रैपिंग, जो कॉलम समझाना है। चलो टेक्स्ट रैपिंग या क्या मतलब इसका समझो। जैसे हमने ये मैटर लिखा है, इसको कर देते वन कॉलम। तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे कर्सर हो, जब इंटर बटन दबाते हैं ना, तो लाइन तो ब्रेक होता है लेकिन तुरंत पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ठीक है, एक सेंटेंस बन जाता है, लेकिन और बीच में स्पेस थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम कर देते हैं किसका टेक्स्ट रैपिंग, तो क्या करता है, बस उस लाइन को ब्रेक करके और नेक्स्ट वाले लाइन में ट्रांसफर कर देता है। तो उस कंडीशन में जब लाइन को केवल ब्रेक करना हो, अदर बीच में कुछ थोड़ा भी स्पेस ना हो, तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग के। देखो फर्क पड़ेगा दोनों में, इसमें देखो स्पेस कितना है दोनों के बीच, और देखो मैं इंटर बटन दबाता हूं तो देखना, समझे, मतलब दोनों लाइन को ब्रेक करता है, लेकिन टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में डिस्टेंस कम रहेगा, स्पेसिंग कम रहेंगे। देखो कुछ ऐसा बहुत ही कम है मामूली सर, लेकिन यहीं पर अगर इंटर बटन दबाते हैं तो ज्यादा मिल जाएगा। तो कभी आपको लग रहा नहीं स्पेस हमको कम देने हैं और पेज को अच्छे से एडजस्टमेंट करने हैं, प्रिंट भी करने हैं, तो आप लोग इंटर बटन का इस्तेमाल कम करिएगा। किसका इस्तेमाल करिएगा, टेक्स्ट रैपिंग का। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज तो हमने पढ़ाया था आपको, मतलब नेक्स्ट पेज क्या करता है जी, सेक्शन को ब्रेक करता है। मतलब कितने पेज है हमारे, पांच पेज। चलो एक इसका और यूज बता देते हैं, जैसे अभी डिजाइन पे आते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे, बॉर्डर पे, समझना। जब बॉर्डर पे आते हैं तो हमने बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे, कोई दूसरी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो देखो सब पे बॉर्डर लग गया, पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। हम सोच रहे नहीं दो पे तो यही बॉर्डर होना चाहिए या और इस पे या उसके बाद वाले पे दूसरा बॉर्डर होना चाहिए, तो ये तो पूरा पेज एक में लिंक होता है। तो हम आते हैं और पेज लेआउट पे, और फिर से एक और यूज इसका बता देते हैं, नेक्स्ट पेज ब्रेक कर दिया इसको, इसका सेक्शन अलग है और इसका सेक्शन अलग है। अब आ जाएंगे कहाँ पे, डिजाइन में, और आ जाते हैं बॉर्डर पे, और इस बार हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं इस वाले पे, यहाँ पे इस सेक्शन वाले पे, और बॉर्डर पे आ जाएंगे, और इस बार इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग रखना चाहते हैं या, और होल डॉक्यूमेंट जो है तो पूरे डॉक्यूमेंट पे होता है, इस बार हमने कर दिया दिस सेक्शन, क्या कर दिया दिस सेक्शन, इसी सेक्शन पे होना चाहिए, कर देंगे ओके। समझे, तो सेक्शन वाइज भी हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं, किसका प्रयोग करेंगे तो जी नेक्स्ट पेज का। तो नेक्स्ट पेज का मतलब यही है कि जो आपस में पेज जुड़े रहते हैं दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल करते समय आपको बताना पड़ेगा कि सेक्शन वाइज इस्तेमाल करना है कि बिना सेक्शन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मान लो इसे नॉर्मल कर दिए होते ना तो सब पे अप्लाई हो गया होता। देखो डिजाइन, बॉर्डर, और कर देते हैं होल डॉक्यूमेंट, हाँ तो क्या कुछ नहीं, अरे बताना पड़ेगा आपको ना, वो समझ उसको समझा दिया गया सॉफ्टवेयर को, अब तुम क्या करना चाहते हो तो वो ले लो, तो इस्तेमाल कर सकते हो दिस सेक्शन। नहीं नहीं क्यों, नई फीचर्स दिया गया इसमें खिचड़ी बनाने के लिए, अच्छा लगे डॉक्यूमेंट्स।